वेलकम बैक गाइस। और आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है क्योंकि एसएससी सीएचएसएल ने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी है फॉर नॉर्थन रीजन के लिए। सो गाइस, अगर आप नॉर्थ रीजन में हैं और आपने नॉर्थ रीजन की तरफ से एसएससी सीएचएसएल के लिए फॉर्म फिल किया था तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और एक महत्वपूर्ण जो सूचना है मैं आपको देना चाहता हूँ गाइस, अभी एसएससी सीएचएसएल ने नॉर्थ रीजन के लिए इसका स्टेटस जारी किया है, यानी कि पूरी तरह से एडमिट कार्ड जो जारी नहीं किया है, रिलीज़ नहीं किया है। इसमें आपको सिटी की डिटेल मिल जाएगी लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिलेगा। उसको जल्द ही रिलीज़ कर देगी एसएससी अपने नॉर्थ रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी के लिए है, इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। और एक जो बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे वो आप फर्स्ट अटैम्प में उसे क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल। क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गाइस एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। और ये जो इसका लेवल होता है वैसे तो इतना हाई नहीं होता है, फिर भी अगर आपको इसको क्लियर करना है फर्स्ट टाइम में तो बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले आप बात करते हैं कि आप कैसे एडमिट कार्ड का स्टेटस, यानी कि आपने जो सिटी है और जो अपनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, आपकी टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, वो जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉर्थ रीजन की। तो आइए चलते हैं। सो गाइस, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नॉर्थ रीजन की। सो आप देख सकते हैं क्या है, ssnr.net.in है। सो गाइस, इसमें आपको आना है और नीचे आके आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, स्टेटस फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो आपको टीयर वन के लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे सो आपको पहला यहाँ जो इसमें एग्री करने के लिए एक चेक बटन देगा, इसे आपको चेक क्लिक करना है और सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ तीन फॉर्म दिखाई देंगे। सो पहला फॉर्म है गाइज, जिसमें पहली डिटेल जल पहला फॉर्म है जिसमें सिर्फ आपको अपनी एडमिट कार्ड और या फिर अपने फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको इफ़ यू नो योर रोल नंबर, आपको रोल नंबर पता है तो आप रोल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्म है, अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है देन गाइस अपना पूरी डिटेल डाल के, जैसे कि अपना पूरा नाम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना सर्च स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम डालेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से। सो रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा ये, अब मैं अपना फादर नेम डाल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप उसमें अपने डिटेल डालेंगे तो ये मेरा पूरा स्टेटस आ चुका है एडमिट कार्ड का। तो इसमें आपको जाना है और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट बात की, जैसे कि सबसे पहले है इसमें एग्ज़ाम डेट। तो आपकी एग्ज़ाम डेट अलग अलग हो सकती है क्योंकि 12 अप्रैल से ये 26 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम रखे जाएंगे, तो आपकी डेट वेरी कर सकती है। एंड जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपकी आपके अकॉर्डिंग, जो आपने प्रेफरेंस डाली थी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसमें अभी सिटी दे रखी है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दे रखा, वो आपको एड्रेस आपको पता चलेगा। और रिपोर्टिंग टाइम इसमें दे रखा है आपका, कि आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। उसके बाद गाइज आपको क्लोजिंग टाइम यानी कि 1:30 से 2:30 बजे के बीच में आपको पहुँचना पड़ेगा, जो भी आपकी टाइमिंग होगी। और एग्ज़ाम टाइम है 1 घंटे का 3 बजे से 4 बजे के बीच में। और आपको नीचे भी स्टेटस दिखाई दे जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया है, नहीं किया गया है। और ये आएगी आपकी स्टेटस में सारी डिटेल्स। तो इन डिटेल्स को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। एंड अभी आगे जाके आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे और जिसे आपको कैरी करना होगा आपके एग्ज़ाम के दौरान। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम। सो अगर गाइज आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेरी जो पहली एडवाइस होगी और जो इम्पोर्टेंट एडवाइस होगी वो क्या होगी, आपको सिलेबस वाइज आपको इसमें प्रिपेयर करना होगा, यानी कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी सिलेबस वाइज। टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे इसमें, क्योंकि 4 इसमें हमारे कैटेगरी आ रखी है। तो उस 4 कैटेगरी में डिफरेंट टॉपिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी।
और जो दूसरा इसमें एडवाइस होगी मेरी, जो दूसरी एडवाइस होगी वो क्या होगी कि गाइस, वंस यू कंप्लीट योर सिलेबस, वंस यू कंप्लीट योर ऑल ऑल द टॉपिक्स, देन गाइस यू नीड टू कवर ऑल द मॉक टेस्ट दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. सो वेरियस वेबसाइट प्रोवाइड वेरियस मॉक टेस्ट फॉर एवरी वन. सो यू कैन गो एंड देयर एंड अटेम्प्ट वेरियस मॉक टेस्ट देयर एंड चेक योर एबिलिटी इफ यू कैन क्रैक द एस एस सी सी एच एस एल इन फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट और नॉट. और यू कैन इट ऑल्सो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंट ऑल्सो गाइज. सो इससे आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा साथ साथ. एंड वंस यू गिवन योर वंस यू कम्प्लीट योर मॉक टेस्ट, नाउ यू कैन अटैम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो यू विल हैव द आइडिया आफ्टर गिविंग द प्रीवियस एग्जाम, क्योंकि गाइज आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे एग्जाम आने वाले हैं. एंड ये सारी एडवाइस आपको ध्यान में रखनी होगी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एस एस सी सी एच एस एल. एंड आई होप कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, इफ यू आर गिविंग ऑन सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट आपका क्लियर हो जाए. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.